कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आज के युग में सच्चा प्रेम है या नहीं? क्या सबका प्रेम झूठा है? क्या माता पिता का प्रेम भी सच्चा नहीं? वास्तव में प्रेम के अलग अलग स्तर हैं। एक प्रेम जो भक्त और भगवान का है उसे भक्ति कहते हैं, एक प्रेम गुरु और शिष्य का है उसे श्रद्धा कहते हैं, एक प्रेम माता पिता और बच्चों का है उसे ममता कहते हैं। बाकी जितने भी प्रेम हैं उनका स्तर, उनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। कुछ भी फिक्स नहीं उसमें, कुछ भी परमानेंट नहीं उसमें। उन सभी प्रेमों में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। पति पत्नी में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। दो मित्रों में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। पर इन सब प्रेमों में ना बहुत गहराई होती है ना बहुत ऊंचाई। इनमें सब लोगों के भाव बदलते रहते हैं। कल तक जो जान से भी प्यारा लगता था आज उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। वास्तविकता में ये सब प्रेम नहीं है, ये सब कुछ समय चलने वाली मन की भावनाएं हैं जो कभी भी बदल जाती हैं। और हम ये मान के बैठ जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है। बातें तो प्यार की सब करते हैं पर प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं। किसी को भी ये कह देना कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है बहुत आसान बात है, पर उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। क्या शर्तें मोहब्बत है, क्या शर्तें जमाना है कि आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि कश्ती भी पुरानी है और तूफान को भी आना है। समझे या ना समझे वो अंदाज मोहब्बत के, एक शख्स को आंखों से दिल का सारा दर्द सुनाना है। भोली सी अदा कोई फिर इश्क की जिद पर है, फिर आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्यार का सौदा बहुत महंगा सौदा है और सस्ते सौदागरों के पास आपको नकली प्यार ही मिलेगा, जिससे नकली वस्तुएं हर दुकान पे मिल जाती हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ऐसे लोगों की बातों से झांसे में मत आ जाना। लोग अपना काम करने के लिए प्रशंसा का ऐसा जाल बिछाते हैं कि अच्छे अच्छे उस जाल में फंस जाते हैं। बातें करने में क्या जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है तो कहां जाते हैं सब। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। यहां लोगों को फंसाने के लिए शब्दों के जाल बिछाए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हैं, बैठे हैं तेरे साथ, कोई भी बात हो हमें बुलाना। लोग आने जाने की बात करते हैं, लोग दुख उठाने की बात करते हैं। यहां सब लोग चेहरे पे नकाब लिए घूमते हैं, कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन इन नकली चेहरों की चमक में फंस मत जाना। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाता है, यही कोशिश होती है हर इंसान की, मैं सबको अच्छा लगूं। अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कौन दिखाएगा अपनी सच्चाई को? अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना, यदि आपकी सच्चाई उन लोगों को पता चले जो आपसे बहुत प्यार करते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? तो क्या वो आपके साथ रिश्तों में रहना चाहेंगे? अपने आप को सच्चा दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इस झूठी चमक में फंस मत जाना। जैसे जैसे हम किसी इंसान के करीब जाते हैं धीरे धीरे लगता है कि वो इंसान अब बदल गया है, पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका झूठा नकाब उतर रहा है। हमें लगता है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी बातें बदल गई हैं, इसका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है, पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका स्वार्थ पूरा हो गया है, तो उसने अपना नकाब उतार दिया है। अब जरूरत नहीं उसे खुद को आपके आगे अच्छा दिखाने की, आपसे जो उसको काम था वो उसका हो गया। तो सावधान हो जाना ऐसी बातों से। बहुत ज्यादा मीठी बातें अक्सर दुखों का कारण बनती हैं।
पर लोग फंस जाते हैं, मीठी बातों में, तारीफों में उलझ के रह जाते हैं और लोग आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। और जब उनका काम हुआ फिर ना वो मीठी मीठी बातें करते हैं ना वो तारीफें मिलती हैं। लोग बड़ी बड़ी वफा निभाने की कस्में खाते हैं। जाता क्या है कस्में खाने में, पर कौन निभाता है वफा? जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। फिर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। क्या प्यार के बदले में प्यार चाहना कोई गलत बात है क्या? अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है तो आप चाहो या ना चाहो वो खुद आपको प्यार देगा। यदि आपको प्यार मांगना पड़े तो समझ जाना कि आप सही रिश्ते में नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि हम 100 मैसेज करते हैं तो सामने वाला एक मैसेज करता है, हम 100 बार फोन करते हैं लेकिन सामने वाले को समय ही नहीं। एक बात याद रखना, जिसे प्रेम हो जाए तो उससे प्यारा फिर दुनिया में कुछ भी नहीं लगता। अगर उससे जरूरी कुछ लग रहा है इसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। अरे जिसे आपसे सच में प्रेम होगा वो यही चाहेगा उसका सारा समय आपके साथ गुजरे, आपसे दूरी उससे सहन नहीं होगी और आप भिखारियों की तरह उसका टाइम मांगते हो, पागलों जैसे मैसेज और कॉल का इंतजार करते हो। ये कैसा प्रेम है? आपको कुछ दिखता भी है या नहीं कि आप कर क्या रहे हो? क्यों मरे जा रहे हैं उस इंसान के पीछे जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से? कब होश में आओगे तुम? अब और कितना दर्द सहोगे और कितना सताओगे खुद को? बस भी करो, आप संभालो खुद को। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। याद रखना, आप जब किसी को अपना समय देते हैं तो उसे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे देते हैं जो आपको फिर कभी नहीं मिल सकता। गुजरा हुआ कोई भी लम्हा जिंदगी का आपको वापस नहीं मिलने वाला। कदर करो अपनी जिंदगी की, कदर करो इस लम्हे की। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं ही मत गंवा देना इसे। अब छोड़ो उन सब पुरानी बातों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया है। फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हर काम के लिए समय होता है, पर हमारे लिए हमेशा बिजी रहते हैं। क्या आपको इतना भी नहीं दिखता कि उस इंसान को आप में कोई रुचि नहीं? आप शायद आफत हो उसके लिए। होश में आओ। जिससे आपसे सच्चा प्रेम होगा वो हजार काम छोड़ के भी पहले आपको महत्व देगा, पहले आपके पास आएगा। अगर आपका नंबर हर काम के बाद आता है तो दूर रहो ऐसे रिश्तों से। और एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि एक इंसान प्रेम में पागल होता रहता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में बराबर प्रेम हो, हमेशा जैसे एक में ही जुनून सवार रहता है। शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि एक का प्रेम इतना ज्यादा होता है कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे तो प्रेम मिलना ही है। पर कई बार हम इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रेम हो या ना हो उसे मजबूरी में हां में सिर हिलाना पड़ता है। अरे आप हद से ज्यादा प्रेम दिखा रहे हो, पहले उसका तो जानो उसके मन में क्या है। अगर किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ोगे तो दिल तो टूटेगा ही। हमारा इतना अधिक प्रेम देख के सामने वाला व्यक्ति डर के मारे ये कह ही नहीं पाता कि उसे हमसे प्रेम नहीं। फिर ऐसे ही झूठे रिश्ते चलते रहते हैं, फिर झगड़े भी होंगे, परेशान भी रहेंगे। ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आपसे प्रेम है भी या नहीं। और जितना लोगों से पूछते जाओगे उतना उलझते जाओगे। अरे यदि आपको बार बार ऐसा लग रहा है प्रेम है या नहीं इसका मतलब प्रेम नहीं है। यदि सच्चा प्रेम होता तो ऐसी भावनाएं आपके हृदय में कभी आती ही नहीं। बेमतलब अपनी जिंदगी में जहर मत भरो।
फिर लोग शक करने लगते हैं, फिर एक दूसरे से सवाल जवाब पूछे जाते हैं, फोन चेक किए जाते हैं, हर बात में नजर रखी जाती है। अरे आपको जब यह सब करना पड़ रहा है तो भी आपको इतना नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, फिर भी खुद को धोखा दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी बस यही कोशिश करते हैं कि बस ये पक्का हो जाए कि प्रेम है या नहीं। इससे ज्यादा कोई क्या समझाएगा आपको? जगाओ खुद को और समझो। और जो व्यक्ति किसी का इतना प्रेम देख के भी सच नहीं बोल पाते, अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, वो कायर हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं दूसरे के लिए वैसी नहीं है और उसके इतने प्रेम को देख के आप डरो मत, आगे चल के उसको भयानक पीड़ा हो, उससे अच्छा आप स्पष्ट कह दो कि जैसी भावनाएं आपकी है मेरे लिए, मेरी नहीं है। किसी को धोखे में रखना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब उसके हृदय को वो भयानक पीड़ा होगी, वो वेदना होगी, उसका परिणाम आपके जीवन में भी आएगा। तो यदि आपको लगता है, बार बार संदेह होता है, शक होता है, तो आप खुद को ही ले लो। आप जो भी कुछ प्रेम में करते हो, क्या वो सब वह व्यक्ति भी करता है जिससे आप प्रेम करते हो? अरे जब वो ये सब नहीं कर रहा तो भी आपको समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है? अब तो बस करो, अपनी समझ को जगाओ और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब ये दर्द का सिलसिला। कई बार लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम जी नहीं पा रहे हैं, टूट गए हैं, भूल नहीं पाते यादों को। होश में भी हो या नहीं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपके जीवन से वो वजह निकल गई जो आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी, जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुलाए, उससे अलग होके तो आपको खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया, और कमाल है, दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ और दुखी भी आप हो रहे हो। कभी हंसी नहीं आती क्या खुद की ऐसी हालत पे कि क्या कर रहे हो अपने साथ? अब तो होश में आ जाओ, कब तक गलत फहमियों की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ, नई जिंदगी जियो, बेहतर जीवन जियो। यह जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दिए है। रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। यह तो जीवन का दस्तूर है, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत दर्द सह लिया, अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो। उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार के किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार के किसी रिश्ते में इतना त्याग, तपस्या और समर्पण हो ही नहीं सकता जो एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। तो याद रखना यह बात कि उनके प्रेम और त्याग के आगे संसार का हर प्रेम, हर रिश्ता छोटा है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़ के संसारी प्रेम के पीछे मत जाना। क्यों हमें माता पिता के प्रेम की ममता कम पड़ जाती है और क्यों हमें परमात्मा के प्रेम की करुणा कम पड़ जाती है? सब कुछ तो दिया है भगवान ने, पर इनके प्रेम के महत्व को हम समझ ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते। मनमाने प्रेम के पीछे भटकते हैं, इसीलिए तो इतना दुख मिलता है हमें। आप ये मत समझना कि प्यार में दर्द है। याद कर लो इस सच्चाई को, प्यार तो परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, एंड द वन हु नोस लव नोस गॉड। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन प्यार के नाम पर जो आजकल स्वार्थ और वासना का व्यापार हम करते हैं, उससे हमें कभी सुख और खुशियां नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का वरदान है, और उस प्रेम को हमने अभी जाना ही नहीं। इस स्वार्थ और कामनाओं के प्रेम से ऊपर हम कभी उठ ही नहीं पाते। प्रेम तो फूल की तरह सुंदर है, जहां खिलता है
सारी दुनिया महक जाती है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क तो सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हस्ती नाचती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। किसी भूखे को खाना खिला देना प्रेम है, किसी रोते को हंसा देना प्रेम है, किसी पक्षी को दाना खिला देना प्रेम है, किसी को कपड़ों से ढक देना प्रेम है, ये सब प्रेम के रूप हैं। तो अपने माता पिता के प्रेम और ममता के महत्व को समझो, उन्हें प्रेम करो। परमात्मा के करुणामयी प्रेम को जानो, उनसे प्रेम करो। इस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना तो हमेशा इस प्रेम में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। अब ऐसा जीवन जियो जिसमें खुशियां हो, मुस्कुराहट हो। परमात्मा ने ये जिंदगी, ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बस जरूरत है इसे नजर उठा के देखने की। जो भी लोग मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। हम अपनी बातों से किसी के दिल को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यदि किसी के दिल को भी चोट पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हम अपनी बातों में कहीं भी ये आग्रह नहीं करते कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि ऐसा भी है। जितनी दुनिया हमने देखी, जो हमारे जीवन का अनुभव है, जितने लोगों के दर्द को करीब से समझा जाना, उस अनुभव के आधार पे हमने ये सब बातें कही। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। ये सब बातें हमने इसलिए कही क्योंकि कितने लोग हैं जो दर्द में जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं। कितने लोगों के जीने मरने का सवाल हो जाता है, जिंदगी का सवाल हो जाता है। ये बातें उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं। क्या पता किसकी जिंदगी बच जाए। ये सब बातें करने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी बातों से यदि एक भी इंसान तक सहायता पहुंच जाए, यदि एक भी इंसान खुद को दर्द से निकाल पाए, खुद को संभाल पाए, तो हमारी बातें कहना सार्थक हो जाता है। आप सबने इन बातों को इतना ध्यान से सुना, सबको धन्यवाद एवं प्रणाम।